सरिया के कोयरीडीह में स्थित वित्त रहित अनुदानित हाई स्कूल कोयरीडीह में शिक्षा विभाग की लापरवाही और घोर अनियमितता देखी गई। अभिभावकों और बच्चों की बार बार शिकायत के बाद विद्यालय का मुआयना किया गया तो विद्यालय के चपरासी शराब के नशे में विद्यालय परिसर में उपस्थित नजर आए। इस बाबत प्रधानाध्यापक से पूछने पर पता चला कि शख्स शैलेंद्र महतो विद्यालय के स्थापना से ही चपरासी के पद और सर्व शिक्षा अभियान में पारा शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय सिमरबेड़ा में विगत 12 वर्षों से कार्यरत हैं। विद्यालय के सचिव रघुनंदन प्रसाद, प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत्त शिक्षक उमेश पांडे और बच्चों से बात करने पर पता चला कि चपरासी शैलेंद्र महतो हर दिन विद्यालय में शराब के नशे में आते हैं। कक्षा में घुसकर बच्चों से अभद्र भाषा व व्यवहार करते हैं। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक नहीं है। विगत कई वर्षों से सेवानिवृत्त शिक्षकों से सेवा ली जा रही है। इस स्थिति से अभिभावकों में काफी आक्रोश है। कहा गया कि अगर शिक्षा विभाग तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह के समक्ष ग्रामीण धरने पर बैठेंगे। कोरडी हाई स्कूल में जो विद्यालय समिति के द्वारा नियुक्ति का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया हुआ है, लोग अपना मनमाना कर रहे हैं। अभी शिक्षक और शिक्षकेतर का करीब करीब 6-7 सीट रिक्त पड़ा हुआ है और यहाँ स्कूल विद्यालय का जो सचिव है अपना मनमाना ढंग से वो बहाली करता है। यहाँ लोकल स्थानीय युवकों को रोजगार का अवसर नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ आरक्षण रोस्टर के तहत जो सो लोकल स्थानीय युवक को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। प्लस एक जो यहाँ जो चपरासी है, चपरासी शैलेंद्र महतो, वो दो दो जगह पदस्थापित है, एक पारा टीचर सिमरबेड़ा मध्य विद्यालय में और ये कोरिडी हाई स्कूल में भी चपरासी के पद पर आसीन है। जो ये दो पद का लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए, इसे किसी भी कीमत पर यहाँ हाई स्कूल से हटाया जाए। और विशेष क्या बोलें।